हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आपको बिहार डीएलएड की जो सेकंड में लिस्ट है वो अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ था। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि जिनकी भी अलॉटमेंट लेटर में जारी हुआ, किस हिसाब से एडमिशन लेने के आगे की प्रोसेस होगी, और जिसने भी फर्स्ट लिस्ट में स्लाइड अप किए हैं, जिनको कॉलेज मिला है वो क्या करेंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिला वो क्या करेंगे, सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। बिहार डीएलएड सेकंड में लिस्ट में जिनका डेट का नाम आया उसके बाद जिनका नाम नहीं भी आया सेकंड में फर्स्ट में, उनको भी बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में कंफर्म आपके नाम आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर बिहार डीएलएड का एग्जाम दिए या आपके कोई दोस्त संगी संबंधी एग्जाम दिए तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करें बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 में जो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट डेट जो जारी हुआ उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि 2 अगस्त 2024 को सेकेंड मेरिट लिस्ट है जो कि जारी हो गया है। दोस्तों, आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ जाइएगा आप। तो दोस्तों, आपको सेल्फ वेबसाइट पर जाना है, अपना रोल नंबर डाल के और अपना ओटीपी वहाँ आएगी आपके नंबर पर। ओटीपी डालने के बाद आपकी फॉर्म अप्लीकेशन खुल जाएगा, उसके बाद वहाँ अपने अलॉटमेंट लेटर मिलेगी, वहाँ जो भी कॉलेज मिला होगा वहाँ क्या लिखा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें जिनका भी कॉलेज आया होगा उस पर कॉलेज का नाम लिखा होगा नीचे, ठीक है, जो कॉलेज होगा उस कॉलेज का नाम, आपका नाम होगा, डीएड का कैंडिडेट दिस आपका नाम होगा, उसके बाद जो कॉलेज का नाम होगा वो कॉलेज का नाम होगा। तो अब इसके बाद के एडमिशन का डेट है जो 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2024 तक चलेगी, आपको लगभग 5 दिन में एडमिशन चलेगी सेकेंड राउंड के लिए। बाकी अब बात करें सेकेंड राउंड में जितने भी स्टूडेंट का नाम आया है, यानी कि जो स्लाइड अप नहीं किया, जो नए नए कैंडिडेट जो सेकेंड राउंड में आया उनको क्या करना है, तो दोस्तों अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा, यानी कि जो भी अलॉटमेंट लेटर मिला है आपको, जो कॉलेज का नाम मिला वो अलॉटमेंट लेटर डालिएगा। बाकी आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है हम पिछले वाले वीडियो में बताएं डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, बिहार डीएलएड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो वाली वीडियो देख लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट लगता है वो सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी जरूर करवा लीजिएगा। इसके बाद आपको फ़ी जो लगेगी 11,500 रुपये आपको फ़ी लगेगी। आप कैटेगरी वाइज जनरल SC ST है तो थोड़ा 1-2 हज़ार कम लगेगी, लेकिन 11,500 पेमेंट वाला लगेगी। इसके बाद 3 से लेकर 7 के बीच में ले सकते हैं आप एडमिशन, कहीं भी इस बीच में जाके अपना एडमिशन ले लेंगे, और ये जो नया स्टूडेंट एडमिशन लेगा। बाकी जो कैंडिडेट होंगे जिनको अभी भी सेकेंड लिस्ट में नाम आया, उसको कॉलेज पसंद नहीं, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, अब चाहते हैं स्लाइड अप करना, तो दोस्तों स्लाइड अप करने की आखिरी मौका है, थर्ड राउंड में आपको स्लाइड अप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी नए कैंडिडेट होंगे स्लाइड अप करना चाहते हैं तो आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी, जो कि सिक्योरिटी मनी के तौर से वो जमा लेते हैं, तो सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको 3,000 रुपये वहाँ जमा लगे, 11,000 का एडमिशन हो जाएगा, ये सारा रिसीविंग आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये आपके एडमिशन की पूरा प्रोसेस होगी जो नए कैंडिडेट उनके लिए। बाकी जो स्लाइड अप वाले उसके लिए हम बात करेंगे स्लाइड अप वाले, बाकी ज़्यादातर उम्मीद हम रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट कॉलेज आपकी पसंद है ना पसंद है, अगर चाहते हैं मैनेज करना तो कर लीजिए, थर्ड राउंड में स्लाइड अप कर लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो स्लाइड अप करने से बचिए, स्लाइड अप में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत से कैंडिडेट को स्लाइड अप करने के बाद कॉलेज नहीं मिलते तो फिर घूर करके वहीं आनी पड़ती है, तो इससे अच्छा होगा कब जो भी कॉलेज मिला एडमिशन ले लें। बाकी आपकी इच्छा स्लाइड अप करना है तो कर लीजिए, स्लाइड अप के लेकर डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, स्लाइड अप के लेकर डिटेल्स वीडियो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लीजिए स्लाइड अप करने वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट लिस्ट में जिनकी नाम आई थी, फर्स्ट लिस्ट में नाम हुई थी जो कैंडिडेट एडमिशन लिए थे आपको 17 से लेकर 23 तक था, फिर बाद में उसको 27 तक डेट बढ़ाया गया था, एडमिशन हुई थी जो कैंडिडेट स्लाइड अप किए हैं, तो उनके लिए 2 कैंडिडेट जिनके सेकेंड लिस्ट में उनके लिए क्या चांस है, तो इंटीमेशन लेटर 1 लिखा होगा, सेकेंड में इंटीमेशन लेटर 2 लिखा होगा आपको। दो इंटीमेशन लेटर 1 है तो यानी कि आपको पहले वाले कॉलेज, यानी कि पहले वाले कॉलेज जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए थे वही वाले कॉलेज आपके हैं, और इंटीमेशन लेटर 2 लिखा है यानी कि इसका मतलब है नई कॉलेज आपका मिला है, तो यहाँ आपके न्यू कॉलेज की नाम भी होगी, जो भी कॉलेज होगा उस कॉलेज के नाम, इसका मतलब आपको कॉलेज मिल गया यानी कि आपकी पुराना कॉलेज चेंज हो गया, नए कॉलेज मिल गया। तो सबसे पहले ये बात करते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिले उनको क्या करना है, तो दोस्तों जिनको आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप चाहें तो स्लाइड अप को कैरी ऑन कर सकते हैं, यानी कि जारी रख सकते हैं जो थर्ड लिस्ट के लिए, और नहीं अगर आपको जारी नहीं रखना है तो जहाँ भी आप एडमिशन लिए जिस भी कॉलेज में जाकर आप एडमिशन लिए उस कॉलेज में जाके आपको बोलिएगा जो मेरा स्लाइड अप वाले ऑप्शन है उस स्लाइड अप वाले ऑप्शन को ऑफ करने के लिए, बंद कर देने के लिए, वो स्लाइड अप वहाँ क्लोज कर देगी आपकी, और आपके जो कॉलेज है वो कॉलेज आपकी फ़िक्स हो जाएगी, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे फर्स्ट टाइम वो कॉलेज आपको फिक्स हो गए, आपके नाम आए या नए आपको कॉलेज जाना है और वहाँ आपको स्लाइड ऑफ करना है तो फिर आपकी ये कॉलेज फिक्स हो। अगर ये काम आप नहीं करते, यहाँ भी नाम नहीं आए, तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, जो यहाँ नाम लिखे वो भी नाम आपकी कट जाएगी,
अगर ये पीरियड में जाके 3 से 7 के बीच में आप ये काम नहीं किए तो। फिर हम बात करते हैं सेकेंड इंटीमेशन लेटर, जिसको नए कॉलेज मिले उसको क्या करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एडमिशन के जो रिसीप मिले हैं वहाँ जाके एडमिशन लेना है, नए कॉलेज में जाना है आपको, एडमिशन वहाँ लेके जाके लेना है। एडमिशन मिले आपको जो आपको रिसीट मिला होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए होंगे आप, या एडमिशन के लिए रिसीप दिया होगा वो वाला रिसीविंग होगा आपके पास, स्लाइड अप किया तो स्लाइड अप वाला आपका रिसीविंग होगा आपके पास, वो सारा रिसीविंग वहाँ के प्रिंसिपल को दिखाइएगा। तो फिर वहाँ जाके फर्स्ट एडमिशन वाला रसीद जो आप दिखाइएगा तो फिर आकर वहाँ एडमिशन आपकी कन्फर्म हो जाएगी, ये आपकी एडमिशन फिर वहाँ जाके कन्फर्म हो जाएगी। तो दोस्तों जिसकी स्लाइड अप वाले या जिनकी कॉलेज मिले उनको भी कॉलेज जाना है, नहीं मिली तो अपने पुराने वाले कॉलेज में जाए जहाँ एडमिशन लिया, अगर कॉलेज मिल गई तो आपको नए वाले कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, वही सारे प्रोसेस हो जाए डिसीजन। बाकी इनको 3,000 रुपये का पैसा जो होता है बोले स्लाइड वाला पैसा वापस हुआ है, तो दोस्तों वो पैसा वापस हो जाते हैं, आप क्लोजअप कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा अपना स्लाइड को, तो पैसा आपके रिटर्न हो जाती। तो दोस्तों आई होप आपको हम सारा जानकारी बता दें, जो नए कैंडिडेट हैं उनको एडमिशन के लिए क्या समस्या होगी वो सारी जानकारी आपको हम बता दिए। बाकी स्लाइड वाले जिनके कॉलेज मिले उनको भी, जिनके कॉलेज नहीं मिले उनको भी सारी जानकारी आई होप हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर पाए होंगे। अब बाकी हम बात कर ले इसके थर्ड मेरिट लिस्ट, तो दोस्तों आपको पता है 7 तक एडमिशन है, 8 के कॉलेज सीट अपडेशन देगी, 10 तारीख को आपको कॉलेज ऑप्शन चेंजिंग का ऑप्शन मिलेगी, इसके बाद 11-12 तक हो सकती है आपके थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बाकी इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए नोटिस आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, नहीं तो नीचे टेलीग्राम चैनल पर हम पोस्ट कर देते हैं, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी 10 तारीख को आपको हम बताएंगे, जिनके भी फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आए तो 10 तारीख के किस हिसाब से आपको कॉलेज चेंज करना है, को आपको थर्ड लिस्ट कन्फर्म ना, या थर्ड लिस्ट के साथ प्राइवेट कॉलेज की भी कटअप जारी होगी। थर्ड लिस्ट जैसे ही आएगी उसके साथ साथ आपको प्राइवेट कॉलेज की भी जारी होगी, क्योंकि थर्ड लिस्ट लास्ट लिस्ट होगी, इसके बाद स्पॉट एडमिशन होगी, इसके बाद कोई लिस्ट जारी नहीं होगी, तो थर्ड लिस्ट के बाद प्राइवेट कॉलेज के भी नाम है। तो दोस्तों 10 तारीख के वो वाले वीडियो में आप लोग जरूर जुड़िएगा, तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लिए, आपको हम बताएंगे उस दिन कि किस हिसाब से आपको कॉलेज देना हो, कितने नंबर पर आपको कॉलेज देंगे, क्या आपकी कन्फर्म रहेगी कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में कन्फर्म आपको 100% आपके नाम के लेटर जारी हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में हम सारी जानकारी दे पाएंगे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कौन के जरूर लाइक। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।